Study Magic. Today we are here to do chapter number 22, left and right. Yes kids, left or right ke bare mein information hona bahut zaruri hai. Hame pata hona chahiye that which one is our left direction and which one is our right direction. Isko yaad karne ke liye ek easy tarika hai. The hand which you use for writing is your right hand and the other one is the left one. जो हाथ आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो राइट हुआ और बाकी बचा हुआ आपका लेफ्ट हैंड हुआ. अब सवाल ये उठता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो उनके लिए स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. जिस हैंड से बाकी बच्चे लिखते हैं दैट इज़ द राइट, और जिस हैंड से हम लोग लिखते हैं दैट इज़ द लेफ्ट. बस इतना सा डिफरेंस है राइटीज़ और लेफ्टीज़ के लिए. तो इससे आपको याद हो जाएगा कि विच वन इज़ योर लेफ्ट हैंड, और वही आपकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी, और जो आपका राइट हैंड होगा वही आपकी राइट डायरेक्शन को डिनोट करेगा. लेफ्ट और राइट इन दोनों के अलावा दो डायरेक्शंस और होती हैं, फ्रंट एंड बैक, आगे एंड पीछे. तो बच्चों आगे और पीछे का आप कैसे याद रखेंगे? आगे जो बिल्कुल चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं, जैसे कि मेरे बिल्कुल सामने है कैमरा जिसमें मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मेरे बैक साइड में है एक वाइट बोर्ड जिस पर मैं लिखकर आपको समझाती हूँ. तो हमें समझ आ गया है कि राइट हैंड इज़ द हैंड विच इज़ यूज फॉर राइटिंग. मेरे राइट हैंड पे है एक वॉल, मेरे लेफ्ट हैंड पे है एक कबर्ड, मेरे बैक साइड पे है एक वाइट बोर्ड एंड मेरे फ्रंट साइड पे है एक कैमरा. तो ये हुई मेरी चार डायरेक्शंस. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपके लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक इन पे आपकी क्या क्या चीज़ें हैं. अगर आपने सही बताया तो मेरी तरफ से आपको एक स्टार ज़रूर मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ हैंड. प्लेस योर हैंड ऑन इट so that the palm faces the paper. Your thumb and finger should be placed on those drawn in the picture. अब बच्चों आपको यहाँ पर एक हाथ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा. Yes, this one. अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना हाथ इस तरह से रखना है कि इसमें जो थंब बना हुआ है उसके ऊपर आपका थंब आना चाहिए, इसमें जो ये फिंगर्स बनी हुई हैं उसके ऊपर आपके फिंगर्स बिल्कुल फिट आनी चाहिए. ठीक है, तो आप जो हाथ यहाँ पर रख रहे हैं दैट इज़ योर राइट हैंड. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. जो हाथ आपने रखा है वो आपका right hand है. Place your other hand on the page in your notebook and trace its outline with your right hand to get the picture. अब आपको क्या करना है, आपको एक खाली drawing sheet लेनी है, उसे रखना है और उसके ऊपर अपने left hand की, जिस हाथ से आप लिखते नहीं हैं उस hand को trace करना है. Trace कैसे करते हैं हम? कोई भी वाइट शीट ले लीजिए, उसके ऊपर अपना हैंड ऐसे खोल के रख दीजिए और उसके आसपास आउटलाइन कर दीजिए इस तरह से. तो ये हो गया हमारा हैंड ट्रेस. जो फोटो आपको बुक में दी हुई थी दैट वाज योर राइट हैंड, और जो आपने खुद से ट्रेस किया है दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड. तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स पता चल गए, मेरा हैंड कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है. नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल. अब आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं किड्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट. आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पर तो कुछ भी हो सकता है. आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और फिर याद करके बताइए आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है. आपके आंसर्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, या तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई विंडो होगी, का कोई फ्रेंड बैठा हुआ होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है एक डोर. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर ऑन योर बैक. आपके पीछे क्या है? तो बैक और बिहाइंड दोनों सेम ही होते हैं. आपके पीछे क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे देन आई विल से दैट देयर इज़ अ वाइट बोर्ड बिहाइंड मी. अगर आपके पीछे कोई डिस्प्ले बोर्ड है क्लास में देन यू कैन से देयर इज़ अ डिस्प्ले बोर्ड बिहाइंड मी. या फिर हो सकता है कि आपके पीछे कोई चार्ट लगा हुआ हो, मे बी देयर इज़ अ वॉल पेंटिंग बिहाइंड यू, देन यू विल से देयर इज़ अ वॉल पेंटिंग बिहाइंड मी. ऑन हूज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. यू सिटिंग मतलब आप किसके लेफ्ट में बैठे हैं. एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड बिल्कुल आपके पास पड़ रहा है, तो ये जो बच्चा है आप देखेंगे इस फोटो में तो इसका लेफ्ट हैंड जो है वो आपके पास पड़ रहा है, राइट. तो उसके लेफ्ट में आप बैठे हुए हैं, तो उस बच्चे का नाम आपको लिखना है कि हाँ मैं इसके लेफ्ट में बैठा हूँ.
नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर ऑन योर राइट. अब आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके राइट पे कौन है? कि आपके राइट हैंड साइड पे कोई चार्ट लगा हो, कोई डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ हो, देन योर राइट देयर इज अ डिस्प्ले बोर्ड ऑन माई राइट. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपने क्लासरूम के हिसाब से करने हैं. जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही लिखेंगे. ओके किड्स, हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट. आपके राइट हैंड साइड पे कौन बैठा हुआ है? आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है, दैट शिवम इज़ सिटिंग ऑन माई राइट. वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. अभी मैंने आपको बताया फ्रंट का मतलब जो आपके फेस के सामने होता है. आपके फ्रंट में क्या है? सामने कौन है? सामने हमेशा ही बोर्ड लगा हुआ होता है ताकि सारे बच्चे सामने देख सकें और बोर्ड से चीज़ों को समझ सकें. देन वील राइट देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड और अ वाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी. और यू कैन राइट आपकी टीचर हैं सामने, देन वील राइट माई टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. ऑन हूज राइट आर यू सिटिंग. ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके राइट हैंड साइड पर आप बैठे हुए हैं? ये जो बच्चा है इसके राइट हैंड साइड पर आप बैठे हुए हैं, तो इसका नाम लिख दीजिए आप अपने फ्रेंड का. Now on our next page there is a picture which is empty from the four sides. This is a picture with Ruchira in the center. ये center में जो लड़की बैठी है इसका नाम है Ruchira. In this picture draw. अब हमें इन सारे blocks में कुछ कुछ draw करना है. आइए देखते हैं क्या draw करना है. A book behind Ruchira. Behind का मतलब क्या होता है? पीछे. Ruchira के back hand side पे हमको एक book draw करनी है. तो ये ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर बुक. नेक्स्ट इज एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट. अब रुचिरा का हैंड देख रहे हैं आप, ये होता है राइट हैंड. जो हैंड वो शो कर रही है दैट इज हर राइट हैंड. इसके राइट हैंड में मुझे एक एनिमल बनाना है. मुझे कैट पसंद है, सो आई एम ड्रॉइंग अ कैट. अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट. राइट हैंड हो गया है, जो बचा हुआ हैंड है दैट इज द लेफ्ट हैंड. ये है लेफ्ट हैंड, इसमें हम बनाएंगे एक चेयर. A tree in front of Ruchira. Ruchira की बिल्कुल आँखों के सामने front side में हमें एक tree बनाना है. So kids, अब तक आपको clear हो गया होगा which is the front side, which is the back side, which is the right side and which is the left side. Next activity is quite interesting. Guide Ruchira from home to school. Ruchira को रास्ता नहीं पता अपने घर से school जाने का. So we have to guide Ruchira from home to school. हम उसे बताएंगे आप लेफ्ट जाइए राइट जाइए और फिर आप अपने स्कूल में पहुंच जाएंगी. चलिए आइए जल्दी से मैप को कंप्लीट करते हैं. This is Ruchira's house. Now Ruchira will move forward and then she'll turn right. जब वो राइट हैंड पे मुड़ेगी तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर दो चीज़ें दिखाई देंगी. एक तो ये पिंक कलर का हाउस एंड सेकंड इज द हैंड पंप. जब वो हैंड पंप पे पहुंच जाएगी देन शी हैव टू टेक अ लेफ्ट. जब वो लेफ्ट टर्न ले लेगी तो फिर उसको राइट हैंड साइड पर एक ट्री दिखाई देगा और उसको अपने फ्रंट में एक पार्क दिखाई देगा. पार्क से उसको लेना है लेफ्ट. जैसे ही वो लेफ्ट लेगी आगे बढ़ेगी उसको राइट हैंड साइड पर एक वेल दिखाई देगा, यानी कि कुआं दिखाई देगा. कुएं से उसको लेना है राइट. जैसे ही वो राइट लेगी तो उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा एक बस स्टॉप, एक हॉस्पिटल और अपने राइट हैंड साइड पे उसे दिखाई देगा एक पोस्ट ऑफिस जो कि येलो कलर का है. पोस्ट ऑफिस से आगे बढ़ने के बाद Ruchira हैज़ टू टेक अ राइट टर्न. जैसे ही वो राइट टर्न लेगी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगी एक शॉप जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं. शॉप के जस्ट बराबर में है एक ट्री जो कि Ruchira के लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा. एंड ट्री से थोड़ा सा वॉक करने के बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा स्कूल. तो Ruchira को हमने गाइड कर दिया है कि वो घर से स्कूल कैसे जा सकती है. ऑन द नेक्स्ट पेज देर आर फ्यू क्वेश्चन अबाउट दिस मैप. विच प्लेसेस एंड थिंग्स Will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. अब हमें बताना है कि हमने Ruchira को अच्छे से गाइड कर दिया है कि वो घर से स्कूल कैसे जा सकती है. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो घर से स्कूल जाने के बीच में Ruchira को मिली थी, तो उन सब चीज़ों के नाम हमें जल्दी से लिखने हैं. सबसे पहले Ruchira को क्या दिखाई दिया था? एक हाउस दिखाई दिया था. उसके बाद उसको एक हैंडपम्प दिखाई दिया था. उसके बाद उसको एक ट्री दिखाई दिया था.
देन अ पार्क, फिर उसको एक वेल दिखाई दिया था, कुआं, फिर बस स्टॉप दिखाई दिया था, देन अ पोस्ट ऑफिस, देन अ हॉस्पिटल, देन अ शॉप, देन अ ट्री. टोटल उसको 10 चीज़ें मिली थी. रुचिरा फाउंड 10 थिंग्स ऑन हर वे टू स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट ऑन एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट. तो अभी जो हमने 10 चीज़ें बताई हैं आपको, उसमें से आपको बताना है कि रुचिरा के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा और रुचिरा के राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी चीज़ें थी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रुचिरा के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या पड़ेगा. रुचिरा जब वॉक करती है तो उसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है ये पिंक हाउस, हैंड पंप, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड अ ट्री. ये सब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेंगे. और उसके राइट हैंड साइड पे क्या क्या है? ट्री, दिस पार्क, दिस वेल, दिस पोस्ट ऑफिस. ये सब चीज़ें उसके राइट हैंड साइड पे पड़ेंगी. अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हमने चार डायरेक्शंस पढ़ ली हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, यानी कि बिहाइंड. चार डायरेक्शंस पढ़ ली हैं, क्या इनके अलावा कोई और डायरेक्शंस हैं जो होती हैं? यस, इनके अलावा जो डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, ईस्ट का पता कैसे चलता है? ईस्ट डायरेक्शन का पता चलता है हमें सन से. सन तो हमेशा से ही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से सन है. तो सन जिस डायरेक्शन से उगता है, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द सन राइजेज, सूरज जिस डायरेक्शन से उगता है उसको बोला जाता है ईस्ट डायरेक्शन. सनराइज करके जब छिप जाता है इवनिंग में, तो वो डायरेक्शन हो जाती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन. जो डायरेक्शन सबसे ऊपर होती है वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन, NORTH, और उसके बिल्कुल सामने वाली डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये सारी डायरेक्शंस होती हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल. होम टू स्कूल यानी कि घर से स्कूल जाने के टाइम में रुचिरा को कितने टर्न लेने पड़ेंगे. ये था रुचिरा का घर. यहाँ से आगे बढ़ने के बाद रुचिरा ने लिया फर्स्ट राइट, देन शी टुक अ लेफ्ट, देन अगेन शी टुक अ लेफ्ट, एंड देन शी टुक अ राइट, एंड देन शी टुक अ लेफ्ट. तो टोटल उसने लिए 5 टर्न्स. ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर. पहले जो आपको पिक्चर दिखाई हुई थी उसका एक छोटा वर्जन यहाँ पर गिवन है. इन दिस देर आर सिंबल्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर्स. पिक्चर जो होती है काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी जगह भी ले लेती हैं, तो इसीलिए हमने अब की बार सिंबल्स का इस्तेमाल किया है. सच अ पिक्चर इज कॉल्ड अ मैप. ऐसी पिक्चर को हम मैप कहते हैं. आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देम. आपको इसमें से सिंबल्स पता करने हैं और लिखना है कि हाँ ये सिंबल किस चीज़ का है. तो बच्चों, मैप क्या होता है? मैप एक ऐसी पिक्चर होती है जिससे आपको रास्ता पता करने में बहुत आसानी हो जाती है. आजकल तो हमारे पास फ़ोन पे मैप्स आ गए हैं, लेकिन पहले हम लोग ऐसे शीट्स के मैप का यूज़ करते थे. ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 मैप्स बनाए हैं, मैप नंबर 1 एंड मैप नंबर 2. ये है रुचिरा का होम और ये है उसका स्कूल. ठीक है, तो होम से उसे स्कूल जाना है, तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया है आपको. और ऐसा ही मैप मैंने एक यहाँ पर भी बनाया है. तो ये जो मैप है इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने ये पूरी ड्राइंग बनाई और ये सब. और इस वाली ड्राइंग में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ किया है, यानी कि मैंने डिनोट किया है ये जो सर्कल है जो कि कलर्ड है ये है हमारा स्कूल, और ये जो ट्राइंगल है जो कि कलर्ड है ये है हमारा होम. तो ये होती है मैप की की. मैप का फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं. सिंबल्स का यूज़ करने से हमारा एक तो टाइम बचता है, दूसरा हमारा जो स्पेस है वो कम यूज़ होता है. दैट इज़ वाई मैप इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट वाले पेज पर इसी तरह के कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि वो सिंबल्स किस किस चीज़ के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं. टोटल यहाँ पर 11 चीज़ें बनी हुई हैं. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड पर सबसे पहले जो ये स्टार बना हुआ है ये कहाँ पर है. ये देखिए, ये रहा वो स्टार.
जो कि अगर हम पिछले पिक्चर से कंपेयर करें तो रुचिरा का घर था यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो हम इस स्टार के आगे लिखेंगे रुचिराज हाउस। नेक्स्ट जब वो आगे बढ़ती है तो ये देखिए ये पिंक कलर का हाउस था यहाँ पर, तो हम इसके आगे लिखेंगे अ हाउस। उसके बाद ये जो ट्री बना हुआ है ये डिनोट करता है वो ट्री, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट डिनोट्स अ हैंड पंप। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का सी है ये है पार्क का गेट, ये जो ब्लू ब्लू पानी है ये है एक वेल यानी कि कुआं दिखाई दे रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्राउन कलर का रेक्टेंगल इज़ अ बस स्टॉप, दिस ऑरेंज कलर्ड स्क्वायर इज़ अ पोस्ट ऑफिस, दिस प्लस साइन इज़ ऑफ द हॉस्पिटल, दिस सर्कल विच इज़ ऑफ द ब्लू कलर इज़ ऑफ द शॉप, एंड फाइनली दिस क्रॉस डिनोट्स द स्कूल। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड, क्या आप बता सकते हैं कि इन सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है। सो आवर आंसर वुड बी सिंबल्स इंडिकेट द प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन अ मैप, दे आर ईजियर टू ड्रॉ एंड सेव्स टाइम एंड स्पेस। सिंबल्स जो होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर थी, मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपका स्कूल है, सिंबल है ये इसका, ट्राइंगल जो है ये होम है, इससे टाइम बचता है, स्पेस बचता है और आपकी मेहनत बचती है। दैट इज़ वाई सिंबल्स आर वेरी गुड एंड दे आर ईजी, बहुत ईजी है इनको बनाना। ऑन आर नेक्स्ट पेज देयर इज़ अ क्वेश्चन, गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट, यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है पूरी, मेक योर ओन साइंस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैप तो बिल्कुल सेम है, आपको बस यहाँ पर अपने खुद के सिंबल्स बनाने हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमें सिंबल्स जो हैं वो बुक के सिंबल से बिल्कुल अलग बनानी है, ठीक है। तो हमें बुक के सिंबल से अलग बनानी है तो अपने अपने सिंबल सोचने पड़ेंगे। सो किड्स ये कुछ 10 चीज़ें हैं जिनके सिंबल्स हमें खुद से बनाने हैं, तो आइए देखते हैं रुचिरा के हाउस का सिंबल हम किस तरह से बना सकते हैं। वी कैन मेक दिस ट्राइंगल और उसमें हम ऐसे डायगनल लाइन डाल सकते हैं, ये हो गया रुचिरा का हाउस। स्कूल के लिए हम बना सकते हैं ये एक ब्लैक बोर्ड जिसके अंदर हमने लिखा है ए बी और सी, यानी कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए मैं बना सकती हूँ एक लेटर, ये जो चिट्ठियों का काम होता है ये सारा पोस्ट ऑफिस में होता है, सो आई एम मेकिंग अ लेटर हियर। देयर इज़ अ ट्री, तो ट्री के लिए मैं यहाँ पर बना सकती हूँ एक छोटा सा पेड़। हॉस्पिटल के लिए मैं बना सकती हूँ एक बिल्डिंग जिसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा दैट दिस इज़ अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट कम्स द बस स्टॉप, सो वी कैन मेक अ स्मॉल बस हियर। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग सो प्लीज़ इग्नोर माई ड्राइंग, यू कैन मेक इट एज गुड एज पॉसिबल। देर इज़ अ वेल, सो वी कैन मेक अ वेल। हमने ये कुआं बना दिया है, इसमें चाहे तो आप एक बकेट बना सकते हैं इधर। ओके आई एम नॉट आई डोंट थिंक दिस इज लुकिंग लाइक अ बकेट बट यस शॉप, तो आप बना सकते हैं एक शॉपिंग बैग जिसमें आप सामान लेके जा सकते हैं। दिस इज अ गेट, सो आई एम मेकिंग अ गेट हियर विच इज लुकिंग लाइक अ बुक। टोल्ड यू माई ड्राॅइंग इज नॉट गुड एट ऑल। दिस इज़ अ हाउस, सो आई एम मेकिंग अ स्मॉल हाउस। दीज आर द सिम्बल्स विच यू कैन मेक एंड यू कैन ऑल्सो यूज इन अदर सिम्बल्स रादर देन यूजिंग दीज वंस। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको खाली स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको इन सिम्बल्स को फिट करना है, जैसे कि यहाँ पर आएगा रुचिरा का हाउस
जो कि हमने बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव सीन अ डैश साइन फॉर द हॉस्पिटल्स इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में हमेशा प्लस का साइन दिखाया गया है हॉस्पिटल्स के लिए. विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल. इस साइन को देखने के बाद एक फ़ायदा होता है कि हमें बिना पढ़े समझ आ जाता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है. वट अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ देम एंड राइट वट दे इंडिकेट. साइन और वट दे इंडिकेट का कॉलम दिया हुआ है. साइन वाले में आपको बनाना है कि साइंस ट्रैफिक साइंस जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पी करके अगर क्रॉस बनाया हुआ है दैट मीन्स देयर इज़ नो पार्किंग. दिस साइन शोज दैट देयर इज़ नो पार्किंग हियर. ये देखिए यहाँ पर एक हॉर्न बनाकर इसको क्रॉस किया हुआ है, मतलब नो हॉर्न प्लीज़, आपको इस जगह पर हॉर्न नहीं बजाना है क्योंकि यहाँ पर शांति की ज़रूरत है. बेसिकली जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनके पास थोड़ी सी शांति पसंद होती है. नेक्स्ट इज़ यू टर्न. यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं. दिस साइन शोज़ देयर इज़ नो यू टर्न. इसका मतलब आपको आगे से घूम कर ही बैकवर्ड आना पड़ेगा. ये देखिए ये डेंजर का साइन होता है. ये तब बना होता है जब कोई काम चल रहा होता है, सड़क का कोई काम है, पानी का, सीवर लाइंस का कोई काम है, तो आपको गाड़ी आगे नहीं लेके जानी है, रास्ता बंद है. ये है साइन राइट टर्न का कि आप यहाँ से राइट टर्न ले सकते हैं. ये है साइन लेफ़्ट टर्न का कि आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं. तो ये थे कुछ साइंस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ट्रैफिक साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लिस्ट ऑफ सिम्बल्स यूज्ड इन द मैप इज़ गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट. दिस इज़ अ एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आपको एक मैप दिया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं. उन पिक्चर्स का मतलब क्या है वो आपको राइट हैंड साइड पे गिवन है कि अगर ए पिंक कलर का हाउस बना है दैट मीन्स इट्स अ हाउस. एक ट्री बना है तो ट्री. ये ब्लैक वाला सर्कल है इसको हैंडपम्प कहते हैं, एंड सो ऑन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप. तो सबसे पहले हम इस कॉलम में देखेंगे कि ये जो हाउस है इसका सिंबल कौन सा है. हाउस का सिंबल हमें दिख रहा है कि ये पिंक कलर का हाउस है. तो हमारी पिक्चर में से हम सारे हाउसेस को काउंट कर लेते हैं. आइए 1, 2, 3 and 4, ये हमारे चार हाउसेस हैं. सो वी हैव टू राइट 4. हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप. अब हमें ढूंढना है कि शॉप का सिंबल कौन सा है. अब मैं नीचे से देखती हूँ, सेकंड नंबर पे ये शॉप का सिंबल गिवन है जो कि एक ब्लू कलर का सर्कल है. तो इस ब्लू कलर के सर्कल को हम काउंट कर लेते हैं. ये सिर्फ एक ही सर्कल है, सो वील राइट 1. हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप. ट्री का सिंबल देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 ट्रीज हैं, सो वील राइट 5. हाउ मेनी पम्प्स आर देयर इन द मैप. पम्प का सिंबल कौन सा है किड्स. ये देखिए ये है पम्प का सिंबल और हमारे पास सिर्फ एक ही हैंड पम्प है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 1. इज़ द स्कूल क्लोज़र टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल. स्कूल किसके क्लोज है, किसके करीब है, पोस्ट ऑफिस के या फिर हॉस्पिटल के. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के सिंबल्स हैं ये वाले. दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस, दिस इज़ द हॉस्पिटल. तो ये देखिए हमारा जो पोस्ट ऑफिस है ये काफ़ी करीब पड़ता है स्कूल के, सो विल राइट पोस्ट ऑफिस. वट इज़ नियर द बस स्टॉप विच इज़ अ सिंबल ऑफ बस स्टॉप. दिस ब्राउन रेक्टेंगल. इस बस स्टॉप के बिल्कुल बराबर में मुझे दिखाई दे रहा है देर इज़ अ हैंड पम्प, सो आई विल राइट हैंड पम्प. विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रेड द मैप. क्या आप इन सिंबल्स के बिना मैप को रीड कर पाते. सो आर आंसर इज नो. विदाउट द सिंबल्स वी कुडंट हैव रीड द मैप. राइट सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स. आपको मैथ्स में भी कुछ सिंबल्स पढ़ाए गए होंगे, आपको उन सिंबल्स के बारे में यहाँ पर लिखना है. सो किड्स हमें जो मैथ्स में सिंबल्स पढ़ाए गए हैं दैट इज़ एडिशन, इसका सिंबल होता है ये प्लस का साइन. सब्सट्रैक्शन, इसका सिंबल होता है ये हाइफन का साइन. मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल है ये क्रॉस का साइन. डिविजन, इसका सिंबल है दो डॉट्स और बीच में एक हाइफन. नेक्स्ट इज़ देयरफॉर इक्वल टू. जब हम टेबल्स लिखते हैं 2 ones are 2, देन हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं. तो ये थे कुछ 6 सिंबल्स मैथ्स के. नेक्स्ट इज़ शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल्स. यू कैन मेक सिंबल्स ऑफ योर चॉइस. अब आपको यहाँ पर अपना खुद का मैप बनाना है
घर से स्कूल जाते हैं तो आपके बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको प्रॉपर मैप बनाना है और उसके बाद उसके सिंबल्स भी बनाने हैं। ये देखिए किड्स, ये वो मैप है जो मैंने बनाया है। जब मैं अपने घर से स्कूल की तरफ जाती हूँ तो बीच में मुझे एक टेंपल दिखाई देता है, उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ देन आई कैन सी अ सैलून जहाँ पर लोगों के बाल काटे जाते हैं। देन ऑन माई राइट हैंड साइड देयर इज़ अ गार्डन एंड फाइनली आई रीच माई स्कूल। तो इसी तरह का मैप आपको भी बनाना है। डोंट कॉपी माई मैप, आपको मेरा मैप कॉपी नहीं करना है, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है कि जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हो तो बीच में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, कोई शॉप पड़ती होगी, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है आपको यहाँ पर। ठीक है किड्स, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड योर होमवर्क इज़ टू टेल मी कि आपके राइट हैंड साइड पर क्या है। बिल्कुल आप फ़ोन साइड रख दीजिए, वीडियो ख़त्म होने वाली है, फ़ोन साइड रख दीजिए, मुझे बताइए आपके राइट हैंड पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, आपके फ्रंट में क्या है एंड आपके बैक में क्या है। प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।